नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कल के मुकाबले में देखने को ये मिला कि एक खिलाड़ी टीम इंडिया का हीरो बन गया और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दीपक हुड्डा हैं, जो बहुत लंबे अरसे से टीम इंडिया में एंट्री के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे और जब एंट्री मिली तो क्या ही मिली। जी हाँ, आपको बता दें, जो दीपक हुड्डा हैं उन्होंने कमाल करके दिखा दिया है। दीपक हुड्डा ने ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है जिसके बारे में जानकर आप भी यकीनन खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, दीपक हुड्डा ने दोस्तों बहुत ही शानदार पारी खेलकर और फिर टीम इंडिया को जीत दिला दी। अब इसके बाद दिग्गजों का बयान आने लग गया है और दीपक हुड्डा के इस पारी पर बड़े से बड़ा दिग्गज भी कई तरह की बातें कह रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि दिग्गज क्या कह रहे हैं अभी हाल ही में जो दीपक हुड्डा ने पारी खेली है इसको लेकर। तो जी हां, आपको बता दें, दिग्गजों का यह कहना है कि दीपक हुड्डा ने बहुत शानदार पारी खेली है। केएल राहुल भी हैं इस लिस्ट में, महेंद्र सिंह धोनी और इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा ने भी दीपक हुड्डा की इस दमदार शतकीय पारी की और खास करके T20 फॉर्मेट में शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में सभी खिलाड़ी दीपक हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं। केएल राहुल का जो बयान आया है उसको लेकर केएल राहुल कह रहे हैं कि दीपक हुड्डा ने यकीनन ना सिर्फ टीम इंडिया की शान बन गए हैं बल्कि उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स का भी नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि जो दीपक हुड्डा हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ही खेलते हैं और इस साल IPL में भी उनके बल्ले से खूब रन निकले थे और इसी वजह से कल का मुकाबला टीम इंडिया जीत पाई है, क्योंकि कल दीपक हुड्डा ने बहुत शानदार लय में परफॉर्मेंस की थी। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि दीपक हुड्डा ने कल सिर्फ और सिर्फ 57 गेंदों पर ही 104 रन जड़ दिया था और दीपक हुड्डा भारत के चौथे ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैच में शतक ठोका हो। इससे पहले यह कारनामा रोहित शर्मा ने 4 बार किया था, यानी रोहित शर्मा ने 4 शतक ठोक रखे हैं T20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए, जबकि केएल राहुल ने 2 शतक ठोके हैं और सुरेश रैना ने 1 शतक ठोका था। लेकिन अब दीपक हुड्डा ने बेहद ही कम मैचों में सुरेश रैना की बराबरी कर ली है शतक ठोक कर। यहां पर एक बात तो साफ है कि जो दीपक हुड्डा है वो बहुत शानदार लय में चल रहे हैं, तो केएल राहुल ने भी दीपक हुड्डा की भर भर कर तारीफ की है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि दीपक हुड्डा आने वाले दिनों में टीम इंडिया के लिए बहुत सारी बड़ी पारियां खेलने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अभी हाल ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी दीपक हुड्डा की इस धांसू पारी को लेकर बयान आया है। साथ ही साथ ऋषभ पंत का भी बयान आया है और ऋषभ पंत ने भी दीपक हुड्डा की इस पारी की खूब तारीफ की है। ऋषभ पंत का मानना है कि भारत को एक ऐसा प्लेयर मिलने वाला है जो फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए काम आने वाला है। दीपक हुड्डा की पारी को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत ने खुद लाइव देखा है। ऋषभ पंत का कहना है कि जिस तरह से इस समय दीपक हुड्डा फॉर्म में चल रहे हैं ये काबिले तारीफ है और इसी तरह की परफॉर्मेंस की आने वाले दिनों में हम दीपक हुड्डा से उम्मीद करेंगे। और तो और ऋषभ पंत का यह भी कहना है कि दीपक हुड्डा के लिए वो BCCI से बात करेंगे, टीम मैनेजमेंट से बात करेंगे कि उनको T20 वर्ल्ड कप में और एशिया कप में भी मौका मिले। तो क्या आपको भी लगता है कि दीपक हुड्डा को T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।